नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में। आज दिनांक 27 अप्रैल 2023 और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं विद डिटेल्स, ताकि आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि 500 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी से लेकर भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन के उपयोग तक। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आज का पहला प्रश्न है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। प्रश्न दो, किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न तीन, 500 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी बनी है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, LVMH। क्या आप LVMH का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इनका हेडक्वार्टर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। प्रश्न चार है, किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पाँच, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, जापान देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। प्रश्न छः, किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम पर परीक्षण किया है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, इंग्लैंड ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न सात है, किस केंद्रीय मंत्री ने बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए NTC PWC का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। प्रश्न आठ, किस राज्य के स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नौ, बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज ने। आप इनका तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दे, एक छोटा सा कमेंट कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से महाराष्ट्र राज्य में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, 2600 करोड़ रुपये। आप इस योजना के बारे में डिटेल से जानकारी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय।